प्यारे बच्चे, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ से। हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.6 को पढ़ रहे थे, आगे चलिए वहीं से आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज। प्यारे छात्रों, 5.6 क्लास 12th क्लास की हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन किए थे। प्यारे छात्रों, 8 जो क्वेश्चन है, चलिए आइए 8 को भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे छात्रों, x का जो वैल्यू दिया हुआ है, वो x का वैल्यू दिया है a cos थीटा। 8 नंबर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है a cos थीटा, फिर ब्रैक प्लस सॉरी cos थीटा नहीं है, cos t है, प्लस log tan t/2। log tan t/2 और y का जो वैल्यू दिया है, अलग से दिया हुआ रहता है क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो y का वैल्यू दिया है a into 1 plus cos थीटा। फिर छात्रों, ये हमें 8 वाले क्वेश्चन को फिर से मैच कर लेते हैं। 8 जो क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, x बराबर a cos t plus log tan t by 2 एंड y का जो वैल्यू दिया है वो क्या है, y का वैल्यू a sin t है। यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे हाँ a sin t। प्यारे छात्रों, आप देख पा रहे होंगे कि x और y का वैल्यू जब अलग अलग रहता है तो हम लोग इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, और पैरामेट्रिक फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग अलग अलग करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल dy/dx निकालना है, तो dy/dx जब भी है तो ये किस में फंक्शन है प्यारे बच्चों, t में, तो हम लोग dt से ऊपर डिवाइड कर दिए और dt से नीचे डिवाइड कर दिए। अब यहां से दो केस बनता है, एक dy/dt निकालने का और एक dx/dt निकालने का। तो हम यहां से आप करेंगे dy/dt, तो dy/dt कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू क्या है a sin t, y क्या dt, तो एक कांस्टेंट है, जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे d sin t/dt, और a तो चूंकि बाहर निकला है और sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा। क्यों cos t होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पे t में फंक्शन है। उसी तरीके से आप निकालिए एंड dx/dt, तो d और x का वैल्यू क्या है, तो a into cos t plus log tan t/2। यहां पे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां पे a कांस्टेंट है, तो आप a को बाहर निकालिए, तो जब आप a को बाहर निकालिएगा तो कितना बचेगा वो जरा देखते हैं हम लोग। जैसे a को बाहर निकाल लिए आप, तो क्या बनेगा, अब अंदर में a को तो चूंकि बाहर निकाल लिए, तो अब दोनों को अलग अलग करेंगे क्योंकि प्लस में डिफरेंशिएशन है, तो d cos t/dt, और प्लस है तो यहां लिखेंगे प्लस, और यहां लिखेंगे d log tan t/2 को। प्यारे बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि ये मेरा फार्मूला पे बन जाएगा, तो आपको याद है बच्चों चैनल कि log के जो बगल में रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो log के बगल में क्या है d tan t/2, और नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं tan t/2, और tan के बगल में क्या है t/2, तो dt/2, और नीचे वाला को फिर से लिख देंगे dt/2 को। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में। तो इतना तरह का हम लोग को dx/dt को तोड़ेंगे तो आएगा, अच्छा a तो ऑलरेडी बाहर रहेगा, ब्रैकेट cos का डिफरेंशिएशन -sin t प्लस, आपको पता है प्यारे बच्चों कि log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो यहां log tan t/2 है, तो tan t/2 के रिस्पेक्ट में 1/tan t/2 होगा,
क्योंकि x की जगह पे क्या है tan t बाई टू है इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों tan x का होता है sec स्क्वायर x। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो tan t बाई टू का होगा sec स्क्वायर t बाई टू इंटू और टी बाई टू में जब आप वन बाई टू को बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा अंदर में dt और dt dt का वैल्यू कितना 1 और ब्रैकेट क्लोज। आपको याद रखना होगा कि हम dy बाई dt का वैल्यू कितना निकाले बच्चों a cos t निकाले हुए हैं। चलिए तो अभी हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कितना आंसर आता है। a का ये छोड़ देंगे माइनस साइन टी और आप देख पा रहे कि साइन इस टेन जब टूटता है तो साइन बटा कोस होगा। प्यारे बच्चों यहां पे आप देख पा रहे होंगे टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है और इसको जब साइन बाई कोस तोड़ेंगे तो नीचे वाला कोस कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे इसको लिख दीजिए कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू यानी आप पहले टेन को साइन बाई कोस में तोड़िए और नीचे वाला कोस ऊपर चला जाएगा और फिर साइन तो नीचे ही रहेगा इंटू। प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि सेक होता है वन बाई कॉस। ये सब जो फार्मूला लग रहा है वो टेंथ का फार्मूला लग रहा है सेक स्क्वायर टी बाई टू है तो आप ऐसे लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू क्योंकि सेक थीटा का फार्मूला वन बाई कॉस थीटा होता है और इंटू वन बाई टू। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ऊपर क्या है कॉस टी बाई टू एक ठो है और नीचे दो ठो है तो कट जाएगा इसलिए प्यारे बच्चों क्या बनेगा a माइनस साइन टी प्लस वन बटा टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। प्यारे बच्चों एक हम लोग फार्मूला जानते हैं वो कौन सा फार्मूला यहां पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यार बच्चों एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बटा टू इंटू कॉस थीटा बटा टू। आप नीचे वाले को देखिए टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जैसे इसके जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं तो इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन टी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जरा और इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा ए तो ऑलरेडी प्यारे बच्चों बाहर है इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन टी को माइनस साइन टी बाई वन और प्लस वन बटा इसके जगह पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन टी लिखती है। अब प्यारे बच्चों फिर हम लोग जानते हैं कि इसका इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं साइन टी ले सकते हैं वन को साइन टी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस ये तो एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बच जाएगा वन। इस तरीके से अगर हम लोग करते करते पहुंचे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा ए इसको लिख सकते हैं अच्छा से वन माइनस साइन स्क्वायर टी बटा में साइन टी। प्यारे बच्चों हम लोग टेंथ में पढ़ते थे एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है वन। अब यहां से हमने निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर टी है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर टी के जगह पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी बटा में साइन टी। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग ये जो कर रहे थे ये वैल्यू आ गया किसका डीएक्स बाई डी टी का। जब डीएक्स बाई डी टी का आ गया तो हम लोग फिर कर सकते हैं फाइनली या फिर अगेन डीवाई बाई डीएक्स अगेन दोबारा से अगर हम लोग डीवाई बाई डीएक्स लिखे तो ऊपर क्या था डीवाई बाई डी टी और डीवाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया था ए कॉस टी आया हुआ था
और अभी नीचे किसका वैल्यू आया तो dx बाई dt का कितना आया तो a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, यही ना आया प्यारे बच्चों। अब a से a तो ऑलरेडी कट रहा है, जब a से a ऑलरेडी कट रहा है तो नीचे वाला साइन कहां जाएगा ऊपर, तो बचेगा कॉस टी इंटू साइन टी और नीचे कितना स्क्वायर, दो ठो स्क्वायर है तो एक ठो से एक ठो तो कैंसिल आउट हो गया, तो साइन टी बटा कॉस टी का आंसर आ गया टेन टी। तो प्यारे बच्चों आपको जो है आंसर मैच करने के लिए कभी कभी इलेवेंथ टेंथ का फार्मूला यूज करना पड़ सकता है, तो आप प्लीज उन चीजों को अप्लाई कीजिए ताकि और आपका स्किल डेवलप हो सके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग dy by dx 8 नंबर वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। चलिए आगे को क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तेरे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिख रहा है कुछ इस तरीके का, a sec थीटा b tan थीटा। प्यारे बच्चों ये आपसे बन जाएगा बशर्ते थीटा में है तो डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ते हैं, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कैसा वैल्यू दिया है, एक्स बराबर दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये दिया है, और y का वैल्यू जरा नीचे लिख लेते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप बगल में लिखिए या नीचे लिखिए, a और क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। पहले बच्चों आप देख पा रहे होंगे x और y का वैल्यू हमें यहां पे दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है, और डिफ्रेंसिएशन का मतलब बच्चों dy by dx। अब dy by dx तो निकालना है, जरा फंक्शन को देखिए तो ए भी जो है थीटा में फंक्शन है और वाई भी थीटा में फंक्शन है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन मतलब डीवाई बाई डी एक्स, तो आप करेंगे क्या डी थीटा से ऊपर डिवाइड करेंगे तो बचेगा डीवाई बाई डी थीटा, और डी थीटा से नीचे डिवाइड करेंगे तो बचेगा डी एक्स बाई डी थीटा। अब बारी बारी से आप क्या करेंगे, डीवाई बाई डी थीटा निकालेंगे और dx by d थीटा निकालेंगे। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को x और y में बस फर्क क्या है, मामला तो दोनों एक ही जैसा है, प्लस के जगह पे माइनस है, माइनस के जगह पे प्लस है, साइन के जगह पे कॉस है, तो इसलिए हम करने वाले क्या हैं कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ dy by d थीटा का मान आपको निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे dy by d थीटा निकालेंगे प्यारे बच्चों उसको देखकर ही वैसे ही आपको dx by d थीटा निकालना है और फिर dy by dx फाइनल डिवाइड कर देना है रख कर वैल्यू, यानी कि चलिए हम आपको सिर्फ यहां से इस क्वेश्चन में dy by d थीटा निकाल कर दिखाते हैं। जैसे dy by d थीटा हम निकालेंगे वैसे ही आपको dx by d थीटा भी निकालना है, कुछ अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम बता देंगे कि आप dx में ये कीजिएगा हम ये कर रहे हैं। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, x वाले को भी हटाते हैं और फिर चलिए चलते हैं y का वैल्यू ये है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे नाउ dy by dt, dt नहीं पहले छात्र d थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा में फंक्शन है। चलिए अब इसको हम लोग को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं कि इसको आगे कैसे करेंगे। तो जैसे कि dy by d थीटा हुआ तो आप dy का मान लिख लीजिए, d y के जगह पे a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा बटा d थीटा। आप प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए कि a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, अब इससे मतलब नहीं है। अब चलिए इसको जब प्लस माइनस में रहता है तो हम लोग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाय डी थीटा, यहां माइनस है तो माइनस, प्यारे बच्चों आप dx बाय डी थीटा निकालेंगे तो वहां प्लस है तो आप प्लस लिखिएगा, फिर d इसको तोड़ेंगे तो थीटा इंटू कॉस थीटा बटा डी थीटा, इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। अब जरा इसको करते चलिए,
हमेशा जो है ए बाहर रहने वाला है और इतना का क्या है गुना में है, यानी कि ये हमेशा बाहर रहने वाला है, चाहे आप बड़ा ब्रैकेट दीजिए या फिर मंझली ब्रैकेट दीजिए या फिर छोटा ब्रैकेट दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो ही सकता है, साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस, पहले बच्चों यहाँ पे माइनस दे देना है, और फिर चूंकि ये जो है फॉर्मूला किस पे बनेगा, u इंटू v पे टूटने वाला है, क्योंकि थीटा और कॉस थीटा दोनों अलग अलग है इंटू में, और थीटा के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v का, तो जरा संभल के लगाना है, माइनस का माइनस छोड़ दिए, फिर ब्रैकेट देंगे इसके लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि u को बाहर करो, हम थीटा को बाहर कर दिए, v का डिफ्रेंशिएशन करो तो डी कॉस थीटा बटा डी थीटा कर दिए, फिर फॉर्मूला बोलता है प्लस लगाओ, अब की बार भी को बाहर करो, तो यहाँ भी क्या क्या है कॉस थीटा, इसको बाहर कर दिया, यू का डिफरेंशिएशन करो तो डी थीटा बटा डी थीटा, और फिर से मंझली ब्रैकेट और फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट। तो इस इतना तरीके से आपको संभल कर कदम रखना है। आगे हम लोग ज्यादा चले तो फिर कैसे बनेगा वो जरा देखते हैं। ए चूंकि ऑलरेडी बाहर है प्यारे बच्चों, तो ए को हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ब्रैकेट यहां क्या है कॉस थीटा माइनस, तो माइनस, अब यहां पे छोटा ब्रैकेट, थीटा है तो थीटा, अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा, और पता है ना बच्चों dx बाई dx का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ d थीटा बटा d थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इट मींस ऐसे a को ये बाहर करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट यहाँ क्या है cos थीटा। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि मतलब कि यहाँ गुना में है तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो थीटा साइन थीटा, और ये माइनस को इसके साथ गुना करेंगे क्योंकि एक साथ ये है और माइनस चूंकि बाहर है, तो माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। अब देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट रहा है, तो कुल मिलाकर क्या बच रहा है बच्चों, ए को गुना करना है थीटा इंटू साइन थीटा, तो कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों बच रहा है, ये हम लोगों को आ गया है डीवाई बटा डी थीटा का मान बच्चों। ऐसे ही आपको करना है और आपको चलते चलते ला देना है क्या बच्चों dx बाई डी थीटा, और फिर dy बाई डी थीटा आ गया और dx बाई डी थीटा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे फाइनली उसको डिवाइड करा देंगे, और उसको डिवाइड करा देने के बाद जो हम लोगों को आएगा उसको हम लोग कर देंगे आंसर, यानी कि एक पार्ट हम आपका करके सिखा दिए, अब जो अदर पार्ट है dx बाई डी थीटा वो उसको आप निकालिएगा। चलिए तो अब इसके बाद आपका काम है इस आंसर को मैच करना अच्छे से, dx बाय d थीटा निकालना फिर डिवाइड करना। तो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यू बोले तो ये क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.6 के लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कैसा क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है हमें रूट अंडर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स टी, ए के पावर देखिए है यहाँ पे साइन इनवर्स टी, और प्यारे बच्चों वाई का वैल्यू दिया है रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी। चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स का वैल्यू दिया है इतना और y का वैल्यू दिया है रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t, अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि dy बाई dx का जो मान होगा वो माइनस y बटा x होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि dy बाई dx का मान यहां प्रूफ करने के लिए बोल रहा है बच्चों, कितना आना चाहिए प्रूफ करके, तो माइनस y बटा में x आना चाहिए। हालांकि बच्चों आप देख पा रहे होंगे तो बात वही है, x का वैल्यू अलग दे दिया, y का वैल्यू जब अलग दे दिया, तो इसी को ना बोलते हैं प्यारे बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का तो क्वेश्चन है ही है,
लेकिन यहाँ पे एक ऐड कर दिया कि आपको आंसर भी ला देना है डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस वाई बटा एक्स। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो बात वही लिखेंगे, dy बाई जब dx निकालना होगा तो आप जरा देखिए कि ये किस में फंक्शन है, तो ये भी t में फंक्शन है, ये भी t में फंक्शन है। प्यारे बच्चे a में फंक्शन आप नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि a क्या है, कांस्टेंट है, 2 के पावर 4, 2 के पावर x, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसी तरीके से a यहाँ पे कांस्टेंट है और t जो है वेरिएबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि dy बटा dt और बटा dx बटा dt, दोनों तरफ dt dt से आपको डिवाइड करना है। प्यारे बच्चों फिर से हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे भी हमको dy बाई dt निकालना है, dx बाई dt निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह का है, देख रहे रूट में, रूट में a के पावर, यहाँ बस साइन इनवर्स t है, यहाँ cos इनवर्स t है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम एक ही काम करेंगे पहले की जैसा, हम सिर्फ dy बाई dt निकाल देते हैं आपको, ठीक है। और जैसे जैसे हम dy बाई dt निकालेंगे प्यारे बच्चे, आपको भी dx बाई dt उसी तरीके से निकालना होगा, यानी कि dy बाई dt और dx बाई dt दोनों निकाल कर और खुद ऑटोमेटिक डिवाइड कीजिएगा प्यारे बच्चे, तो आपको आ जाएगा माइनस वाई बटा एक्स, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, dy बाई dt निकालना है, dx बाई dt निकालना है, dy बाई dt का मान ऊपर रख दीजिएगा, dx बाई dt का मान नीचे रख दीजिएगा और कुछ कट कट के, कटने कटने के बाद आपको आ जाएगा माइनस वाई बटा एक्स, पक्की बात। चलिए अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग dy बाई dt का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को हम मिटा देते हैं। चलिए अब चूंकि आप अच्छे से समझिएगा, एक पार्ट को हम बता रहे हैं, y का मान दिया है तो हमको dy बाई dt निकालना है प्यारे बच्चे, dy बाई dt, तो d y के जगह पे क्या है बच्चे, रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t। प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है, जैसे मान लिया आपको याद होगा ना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ना होता है 1/2√x, ध्यान दीजिए बातों को, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2√x होता है। प्यारे बच्चों यहां से आपको ये बात पता चल रहा है कि रूट के जो चीज अंदर में होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट के अंदर में क्या है प्यारे बच्चों, ए के पावर कॉस इनवर्स टी है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ए के पावर कॉस इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में करा दिए। बातों को समझिए, यहाँ पे भी चैन रूल लगने वाला है, रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है उसके रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे वाला को जानते ही है, चैन रूल बोलता है कि आप ऊपर भेजो ए के पावर कॉस इनवर्स टी। अब प्यारे बच्चों फिर से आप रुकिए, अब आप ये सोचिए कि ए के पावर जब कुछ होता था तो किसके रिस्पेक्ट में फार्मूला बनता था, यानी कि अगर कोई वैल्यू ए के पावर में रहेगा तो नीचे किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे कि वो फार्मूला पे आ जाएगा, फार्मूला पे आ जाएगा। तो आपको फिर से फार्मूला का हम याद दिलाते हैं बच्चों, डी ए के पावर एक्स को याद है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में जो फार्मूला होता है ए के पावर एक्स और लॉग ए फार्मूला होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको नजर आ गया होगा कि ए के पावर में जो चीज रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कराते हैं तब जाकर हमको फार्मूला पे आता है। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप फार्मूला पे लाने के लिए आप क्या करेंगे, जो ए के पावर में है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब नीचे वालों को फिर से कहां ले जाएंगे, बगल में, यानी कि ऊपर, डी कॉस इनवर्स टी बटा क्या बच्चों, अब तो डी टी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फार्मूला होता है, इसलिए यहां पे कॉस इनवर्स टी है तो यहाँ पे डी टी तक लास्ट कर दिए। यानी प्यारे बच्चे यहाँ पे जो आपको समझना था वो ये था कि
फॉर्मूला में आप चैन रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, रूट दिया हुआ था। अब प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब जो है बस वही ए के पावर कॉस इनवर्स टी, इसका हो गया इनटू। अब जानते हैं ना प्यारे बच्चों कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए। तो ए के पावर एक्स का मतलब ए के पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग ए। लॉग ए का मतलब कि लॉग ए ही है ना, जिसका अध पावर रहता है वही ना। फिर इनटू, प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स टी का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है बच्चों, -1/√(1 − x²) होता है बच्चों। लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स टी है तो बनेगा यहाँ पे क्या, टी स्क्वायर। अब जरा बच्चों अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और आप खुद समझिए कि अगर मान लिया प्यारे बच्चों कि अगर 5 रहता है तो 5 को ही हम लोग मैथ ये बोलता है कि उसको √5 × √5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको p दिया हुआ है तो इस p को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे √p × √p, ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। अगर हमें दे दिया कि a^2, ठीक है, तो अब इसी को हम लिख सकते हैं √a^2 × √a^2। प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है कि अगर कोई वैल्यू रहे और हम रूट चढ़ाना चाहते हैं तो 2 को √ चढ़ाइए और बीच में क्या दे दीजिए प्यारे बच्चे, इनटू दे दीजिए। हम वैसे ही चीज करने वाले प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है तो 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, ठीक है, इनटू। फिर नीचे है ना ये, तो आप नीचे लिख दीजिए √a^cos−1t। प्यारे बच्चों फिर से इनटू है। अब आप इतना चीज को देखिए, a^cos−1t, तो जब हम इसको रूट में तोड़ना चाहे प्यारे बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √a^cos−2t × √a^cos−1t। यानी पहले कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा था, जब हम इसको रूट लगाना चाहते हैं तो 2 बार रूट लगा सकते हैं, ऐसा मैथ का रूल बोलता है, तो दोनों को रूट में कर दिए। फिर से चलते हैं, क्या है, लॉग ए है और यहाँ पे हम लिख देंगे ये माइनस को। प्यारे बच्चों आप खुद यहाँ पे आगे लिख सकते हैं −1/2 और फिर इनटू में 1/√(1 − t², ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि यहां से हमको नजर आ रहा है, कौन सा नजर चीज आ रहा है कि एक ठो कट रहा है, तो अब क्या बच रहा है जरा आप देख लीजिए। तो हम लोग एक चीज और पुट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे आप उन चीजों को ध्यान दीजिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एक ठो से एक ठो कट गया। अब प्यारे बच्चों सवाल ही हमें दिया है कि वाई के जगह पे आप कितना रख सकते हैं, तो √a cos−1t। तो प्यारे बच्चों इसके जगह पे सवाल से चलना पड़ेगा कि इसके जगह पे आप कितना रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को आ गया −1/2 × फिर ये तो कट गया, ये वाला गुना की जगह पे y रख सकते हैं इनटू log a रख सकते हैं, फिर इनटू √√(1 − t²। प्यारे बच्चों यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, ये हम लोग का निकल गया dy/dt। प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझिए, जब आप dx/dt भी निकालेंगे ना बच्चे तो आपको आएगा यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा और 1/2 आएगा, फिर x आएगा, फिर log a आएगा, फिर इतना चीज आएगा, तो ये से ये कट जाएगा, log a से log a कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, नीचे सिर्फ x बचेगा और −y/x प्रूफ हो जाएगा। मेरा मतलब कि जैसे हम लोग अभी dy/dt निकाले हैं आपको वैसे ही चलते चलते dx/dt निकालना है,
और dy by dt जैसे हम अभी निकाले, आप dx by dt निकालिए और दोनों को डिवाइड करिए प्यारे बच्चे, आपको ऑटोमेटिक माइनस वाई बटा एक्स आ जाएगा। और जब माइनस वाई बटा एक्स आ जाएगा तो वो चीजें हम लोगों की प्रूफ हो जाएगी, और प्रूफ हो जाएगी तो हम लोग की ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो आज के क्लास को हम लोग 5.6 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिए प्यारे बच्चों। अब अगले दिन की क्लास में हम लोग 5.7 यानी कि अगले एक्सरसाइज का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, रूल्स नियम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज को भी डन करेंगे। तो आज के क्लास को इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।